नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में माइक्रो मैक्स इन वन वर्सेस ओप्पो A16 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो माइक्रो मैक्स इन वन में 6.51 इंच जबकि A16 में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि माइक्रो मैक्स इन वन से कम है। विड्थ की बात करें तो माइक्रो मैक्स इन वन में 3.03 इंच जबकि A16 में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि माइक्रो मैक्स इन वन से कम है। बात करें थिकनेस की तो माइक्रो मैक्स इन वन में 0.35 इंच जबकि A16 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो माइक्रो मैक्स इन वन में 195 ग्राम जबकि A16 में 190 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो माइक्रो मैक्स इन वन में 6.67 इंचेस जबकि A16 में 6.52 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन माइक्रो मैक्स इन वन में 1080x2400 और A16 में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो माइक्रो मैक्स इन वन में 84.45% जबकि A16 में 82.88% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो माइक्रो मैक्स इन वन में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि A16 में 269 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो माइक्रो मैक्स इन वन में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और A16 की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो माइक्रो मैक्स इन वन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और A16 की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो माइक्रो मैक्स इन वन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और A16 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो माइक्रो मैक्स इन वन में माली G52 MC2 जबकि A16 में पावर GE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो माइक्रो मैक्स इन वन में MediaTek Helio G80 और A16 में MediaTek Helio G35 मिलता है। बात करें रैम की तो माइक्रो मैक्स इन वन में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की रैम मिलती है जबकि A16 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो माइक्रो मैक्स इन वन में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि A16 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो माइक्रो मैक्स इन वन में एंड्रॉइड V10Q जबकि A16 में एंड्रॉइड V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो माइक्रो मैक्स इन वन में 2 कलर्स जबकि A16 में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो माइक्रो मैक्स इन वन में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जिसमें कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 9,870 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 11,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें A16 की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 13,990 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो माइक्रो मैक्स इन वन में 3 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें ओप्पो A16 की तो उसमें 2 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में माइक्रो मैक्स इन वन आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में माइक्रो मैक्स इन वन आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी M12 है, दूसरा शाओमी पोको M3 है, तीसरा टेक्नो पोवर 2 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें रियलमी C21Y है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।